एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुचीश रनर बाहर। आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे हो। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। लास्ट आई थिंक मैं होली के टाइम पे आई थी, होली का ब्लॉग लेकर के। होली से लेकर के आज तक जो है, आज है 17th of April, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। इसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ। क्यों आई हूँ वही मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि मैं इस बीच कोई भी वीडियो नहीं कर पाई हूँ, ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ, रेसिपी वीडियोस नहीं कर पाई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी वीडियो या फिर कोई ब्लॉग नहीं, बल्कि मेरी एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। होली था आपका 25th, और दूसरे ही दिन 26th को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। क्यों हुई थी, मुझे क्या हुआ था, पूरा वीडियो को देखते रहिए। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो 27th को मेरा ऑपरेशन हुआ। 26th को मैं फोर्टिस राजबिहारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मुझे क्या हुआ था, मुझे हुआ था स्टैगहॉर्न कैलकुली। स्टैगहॉर्न होता क्या है, बहुत किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, जो कि मुझे हुआ। ये देखिए, ये होता है स्टैगहॉर्न, जो मेरे बोथ किडनीज में, राइट एंड लेफ्ट बोथ किडनीज में जो है वो प्रेजेंट था। और मेरी जो है बहुत बड़ी सर्जरी हुई है किडनी की। मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो ओपन किडनी की सर्जरी हुई है, और कोई चारा नहीं था, किडनी को काट के ओपन करके उसमें से निकालना पड़ा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो स्टैगहॉर्न हुआ था ये कितना बड़ा साइज़ का था, जो मेरे किडनी में से निकला है। बट स्टिल अभी भी मेरे राइट साइड के किडनी में है, जिसकी सर्जरी 3 to 4 months के बाद फिर से होगी। तो यही जो हॉस्पिटल का पूरा जर्नी, एक एक दिन का क्या क्या मेरे ऊपर बीती है, क्या क्या हुआ घर आने तक का, सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक्चुअली स्टैगहॉर्न जो है ये कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि अगर किडनी में स्टोन हो तो बहुत पेन होता है। बट मेरा जो है ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मेरे कुछ भी सिम्टम्स, कभी पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि स्टैगहॉर्न में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। स्टैगहॉर्न पता ही नहीं चलता, अगर स्टैगहॉर्न कैलकुली अगर हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ना पेन होता है ना कुछ नहीं। आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर मंथ में, एग्जैक्ट 23rd December मेरी गॉलब्लैडर की ऑपरेशन हुई थी। उस टाइम पे जब मेरी टेस्ट वगैरह हुई थी, तब मुझे पता चला था कि मेरे बोथ किडनीज़ का कंडीशन बहुत ख़राब है। दोनों किडनीज़ में फुल एकदम, मतलब पूरे किडनी भर के स्टैगहॉर्न कैलकुली हुआ है। तो उसकी इमीडिएट सर्जरी करना बहुत ज़रूरी था, बट मेरी गॉलब्लैडर का भी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मुझे गॉलब्लैडर का ऑपरेशन पहले करना पड़ा। और मैं बहुत जल्द उसमें, मेरा रिकवरी भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके किडनी का जो ट्रीटमेंट है के लिए मैं स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए day 1 से स्टार्ट करती हूँ। 26th को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई 40s ऑफ राजबिहारी में, तो जो कि आपका गोरियाहाट में है। तो 26th में एडमिशन होने के बाद
उस दिन तो नॉर्मल जैसा था वैसे ही मेरा दिन रहा, और क्योंकि दूसरे दिन मेरे सुबह सुबह मेरा ओटी होने वाला था, मतलब 27th को, तो 26th को रात डिन 8 बजे मुझे डिनर कर दे दिया गया था। उसके बाद से जो है मेडिसिन वगैरह जो भी मैं खा रही थी, डॉक्टर ने जो भी प्रेस्क्राइब किया था वो सब 8 बजे तक ही जो है मुझे सब कुछ दे करके दे दिया गया था। उसके बाद दूसरे दिन 27th को मेरे घर वाले सब आ गए, और इतना बता दूं कि मेरे घर से 40 का डिस्टेंस है काफ़ी, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा पूरा है, काफ़ी दूर है, दूर था मतलब। तो 27th को मुझे 8 बजे, सुबह 8 बजे ओटी ले जाया गया। उसके पहले चैनल वगैरह जो भी करना होता है वो सब किया गया। तो 27th को 8 बजे ले जाने के बाद करीब 8:30 बजे मेरी सर्जरी शुरू हुई। मेरी सर्जरी पूरा 4 घंटा तक चली, इतनी लंबी सर्जरी हुई मेरी, ऑपरेशन थिएटर में पूरा 4 घंटा लग गया, काफ़ी लंबा टाइम लगा था इसमें। उसके बाद का जो टाइम था ना, मतलब मेरे ऑपरेशन के बाद, मैं अभी भी जब याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैसे मैंने सहन कर लिया वो एक्सट्रीम पेन। आप समझ सकते हो कि एक किडनी को काटा गया है, उसके ऊपर से इतनी बड़ी कट्स, ये देखिए ये मेरी कट्स हैं, ये तो काफ़ी अच्छा कंडीशन में, मतलब मेरे घर आने के लगभग 5-6 डेज के बाद ये वाला कट है, जो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, और इसको मैंने क्लीन किया था। तो आप देख सकते हो ये कट्स के जो साइज़ है ना, वो जैसे एक बित्ता होता है ना, ये एक बित्ता से भी ज़्यादा, एक बित्ता, 3 फिंगर, और इतना लंबा इसके कट्स हैं, मतलब साइड से लेकर के एकदम बैक तक का है, और इसमें 16 स्टिचेस लगे हुए हैं। तो सोचिए इतना बड़ा कट्स है, और उसके ऊपर से जो है, जब मुझे थोड़ा सा सेंस आया तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे सेंस क्यों आया, इतना पेन कि मतलब इसके सामने तो मुझे लग रहा था, गॉलब्लैडर का जब ऑपरेशन हुआ था वो एकदम जैसे एक छोटा मोटा से एक ऑपरेशन था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मतलब मेजर तो था है ही, ये मेजर तो ऑपरेशन हुआ ही है मेरा, बट ये इतना पेन मेरे लाइफ में कभी भी मैं इतना नहीं झेली, जितना पेन मैंने फील नहीं की जितना मुझे हुआ था। उसके ऊपर से जब मुझे सेंस आया पेन से, तो मैं आधा सेंसलेस के जैसे ही, मतलब मेरा हालत थी। ऊपर से एक पाइप मेरे नाक से होते हुए थ्रोट में घुसाया गया था पाइप, वो वाला मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि वो पाइप से मतलब बोल रहे थे डॉक्टर्स लोग कि पेट के अंदर का जितने भी सारे गंदगी है ना, वो पाइप के थ्रू ही वो निकलेगी। तो वही पाइप मतलब बहुत ज़्यादा, आप सोच सकते हो कि नाक से होते हुए गले में यहाँ पे अटक रही है ऊपर से, मतलब आप मैं ना कुछ मतलब कुछ निगल भी नहीं पा रही थी, वैसे मुझे फूड नहीं दिया जा रहा था, निगल नहीं पा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं, बात तो करने की, मतलब बात तो छोड़ दीजिए, बात तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, ऐसा हालत था। तो जिस दिन मेरी ओटी हुई 27th को, बहुत पेनफुल दिन रहा मेरे लिए, और ऊपर से मेरी स्लाइन वगैरह, मेडिसिंस वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब स्लाइन के थ्रू चल रही थी, और मेरे ना 3 पाइप लगे हुए थे, एक तो मैं बताई नाक से लेके थ्रोट तक का, और एक जो था वो मेरे किडनी से होते हुए, एक मोटा पाइप था, वो काफ़ी थिक थिक पाइप थी, किडनी से होते हुए बाहर एक पाइप थी, उसमें बैग लगा हुआ था, उसमें ना जो किडनी से जितने भी सारे गंदे डर्टी ब्लड्स है ना, वो उसमें निकल के वो बैग में भर रहे थे, और एक जो पाइप था वो कैथेटर था। तो इट्स वेरी पेनफुल, कितना पेनफुल, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना पेनफुल रहा होगा मेरे लिए। तो फिर फर्स्ट डे नाइट मुझे सडनली उल्टियाँ होने लगी, वो पाइप थी, पाइप रहने के बावजूद भी मुझे उल्टियाँ हुई,
और उल्टी में जो पाइप से निकल रही थी ना, तो वही मेरे मुंह से, मतलब उल्टी के थ्रू वही निकल रही थी पूरा, जैसे कि काई होती है ना, जैसे पानी में काई जम जाती है वैसे ही ग्रीन ग्रीन पूरा मुझे उल्टी हुई। और मुझे और एक कॉम्प्लिकेशंस हुआ था, वो मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक थी, आई थिंक 5 डे, 5 to 6 डेज तक मुझे थी। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, मेरे कंटिन्यू 3 to 4 डेज तक मुझे चेस्ट पेन था। जब मैंने मेरे घर वालों ने डॉक्टर से पूछा कि चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, तब डॉक्टर ने कहा कि किडनी और हार्ट का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, तो किडनी के सर्जरी की वजह से हार्ट में जो है वो थोड़ा सा मतलब इफ़ेक्ट हुआ है, जिस वजह से होता है ये, उनका कहना था कि ऐसा होता है कभी कभी, तो जिस वजह से मुझे हार्ट में पेन हो रही थी एंड मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, मतलब। और मेरे बेड को अगर पूरा स्ट्रेट कर दिया जाए ना, तो मैं पेन से, ब्रेथ मतलब हार्ट के पेन से ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा मुझे पेन था। तो फिर फर्स्ट डे नाइट ऑपरेशन के दिन जो है बहुत ही मतलब मैं सो नहीं पाई थी रात भर, इतना पेन था। फिर नेक्स्ट डे भी सेम वही हाल था, मैं हिल डुल नहीं पा रही थी, इतना पेन कि मुझे लग रहा था मैं सो ही रहूं। और 3 दिन तक मुझे कोई भी फूड कुछ भी नहीं दिया गया था, लिक्विड तक भी नहीं, क्योंकि स्लाइन के थ्रू मुझे दिया जा रहा था और वो पाइप भी थी कंटिन्यू। तो मेरे घर वाले आते थे विजिट करने के लिए विजिटिंग आवर्स में, विजिटिंग आवर्स थी आपका 4 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के आपका शाम को 6:30 7 बजे तक की थी, 6:30 बजे तक की थी। तो आती थी, बच्चे को अलाउड नहीं था तो मम्मा नीचे हॉस्पिटल में ही नीचे कोई इसको रखता था, और मम्मा आती थी मेरे मेरे पास। उस टाइम पे बहुत ही पेनफुल रहा, 3 डेज तक तो मैं बात ही नहीं कर पाई थी जब तक वो मेरा पाइप था। 3 डेज के बाद जो है वो पाइप को रिमूव कर दिया गया, तब जा कर के थोड़ी सी मेरी राहत, मुझे राहत पहुंची, तब मैं मतलब बात कर पा रही थी थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके। फिर मुझे पानी दिया गया पीने के लिए इस तरह से। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरा सर्जरी किसने किया। मेरी जो सर्जरी थी ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग वाली थी सर्जरी। तो कहते हैं कि हम मानते हैं कि धरती में भगवान इंसान के रूप में कहीं ना कहीं मौजूद है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए भगवान ही थे जिन्होंने मेरे सर्जरी को मतलब इतना सक्सेसफुली, जिन्होंने मतलब मेरे ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे कह दूँ तो 80% जो है वो रिमूव हुई है, 20% तक अभी तक बाकी है, वो 1 ईयर के बाद दूसरे प्रोसेस से उसको फिर रिमूव करेंगे डॉक्टर। वो भगवान का नाम है डॉक्टर शिवाजी बाशु, द ओनर ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल इन रास बिहारी। ये रहा डॉक्टर जो सच में भगवान के रूप में ही आए, और इनका अपॉइंटमेंट के लिए ना, अपॉइंटमेंट इनको पाने के लिए लोग 3 4 महीने तक वेट करते हैं, फिर भी इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो इस मामले में मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, लकी समझती भी हूँ कि मुझे तो मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर ही मुझे मुझे डायरेक्ट उनके पास रेफ़र कर दिया गया, और मैं चाह भी रही थी कि मेरी सर्जरी वही करे। तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग वाला था, खुद बोल रहे थे कि ये बहुत चैलेंजिंग वाला मेरे लिए मतलब सर्जरी होगी, क्योंकि इस तरह का केस बहुत रेयर मिलता है। इसलिए उन्होंने मतलब मेरे घर वाले को हौसला दे करके अपने हाथों में मेरे ऑपरेशन को ले लिया। इतने अच्छे इंसान मैंने नहीं देखा है, मुझे इतना अच्छा ट्रीट किए ना, इतना अच्छा, इतना सिंपलिसिटी उस उनके अंदर थी,
एंड ही वॉज जस्ट ट्रीटिंग मी लाइक अ डॉटर, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ इस तरह से. मतलब आते थे मुझे एवरी डे मॉर्निंग में मुझे देखने के लिए, एंड जो भी इंस्ट्रक्शन रहता था देने के लिए एवरी डे रहते वो सब नर्स को दे करके जाते थे. तो एक छोटा सा बहुत अच्छे सा मतलब मेमोरी उनके साथ मेरी बनी, मैं बता रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मेरी विश थी कि जो भगवान है, और मैं बता दूँ कि डॉक्टर शिवाजी बासु एशिया के नंबर वन किडनी सर्जन है. गूगल में आप सर्च करोगे तो उनके बारे में आपको सब जानकारी मिल जाएगी. इसलिए लोग चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट सब वही करे, वही डॉक्टर बासु ही करे, बट वो सबके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं. जब भी हॉस्पिटल्स में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है ना, कोई क्रिटिकल कंडीशंस में कोई पेशेंट रहता है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट लोग का जो है ऑपरेशन ओटी डॉक्टर बासु ही करते हैं. तो मेरी विश थी कि मैं उनके साथ एक सेल्फी खींचूं. तो जब मैं थोड़ा थोड़ा कल के बोलने लगी ना, तो मैं उनको बोली, सर मेरी विश है कि मैं आपके साथ एक सेल्फी खींचूं. तो सर हंस के बोले मुझे, ओके आज तो देखो मैं ऐसी आई ऐसा आया हूँ, तो कल मैं सच धज के आऊँगा तो कल मैं तुम्हारे साथ पक्का सेल्फी खींचूँगा. तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये फोर डे का ये बात है. हाँ डे फोर का बात है, क्योंकि डे फोर में मेरी जो किडनी से जो पाइप निकली थी ना, वो पाइप को रिमूव कर दिया गया था. तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा फील हो रहा था. तो डे फाइव आया, सर आए मॉर्निंग में, आने के बाद मुझे देखे, सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर बोले कैथेटर जो है वो रिमूव कर दो. तो डे फाइव में जा करके मेरा कैथेटर को रिमूव कर दिया गया था. उसके बाद मुझे बोल रहे हैं, अरे देखो आज मैं सच धज के आया हूँ, चलो मेरे साथ सेल्फी नहीं खींचोगे? तो फिर आए मेरे बगल में खड़े हुए, एंड मैं ना इस तरह से सीधा होके नहीं बैठ पा रही थी, तो मेरे बेड को ऊपर उठा दिया गया. तो मेरे बाल जो थोड़े ख़राब थे, वो इतने अच्छे से अपने हाथों से मेरे बाल को ठीक कर दिए, और मुझे इतना अच्छे से हक करके मेरे साथ सेल्फ फ़ोटो खींचाए. और नर्स लोग को बोल रहे थे, चलो तुम लोग एक अच्छा सा फ़ोटो खींचो. ये देखिए, ये है वो फ़ोटो. मैं इतना हंस रही हूँ ना, यहाँ पे मेरा स्माइली सा फेस है बिकॉज ऑफ डॉक्टर की वजह से. बट मैं बता नहीं सकती कितना पेन था मुझे उस टाइम पे, एक्सट्रीमली पेन था. बस डॉक्टर की वजह से ही मैं जो है मेरे स्माइल फेस में स्माइल आ गया था. तो खैर फाइव डेज ऐसे चला गया. उसके बाद फिर वो दिन आया संडे. मैं अपनी बेटी से मिली. बेटी संडे को जो है वहाँ पे बच्चे अलाउड हैं, आप ले जा सकते हो. फिर भी मेरी बेटी बहुत छोटी है ना, उसको अलाउ नहीं था. तो बट फिर भी वो मतलब वहाँ के जो जितने भी सारे गार्ड्स हैं वो सब उसको देख करके, उन लोग को देख करके बहुत ख़राब लगा कि इतनी छोटी बच्ची इतने दिनों से अपने मम्मा से दूर है. तो फिर उसको आने के लिए दिए. मेरी बेटी जब मेरे से मिली ना, मैं बता नहीं सकती, मैं उसको देख के इतना रोई, उसको पकड़ के बहुत रोई, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा मम्मा को छोड़ के एकदम, मतलब मम्मा से ना बात कर पाती थी ना कुछ नहीं, और मेरी कंडीशन इतना ख़राब थी. मैं फ़ोन भी साथ में नहीं रखी थी, क्योंकि मैं खुद बहुत धीरे धीरे बात करती थी एकदम. मतलब फ़ोन में तो लगता है उधर वाले को सुनाई भी नहीं देगा इस तरह से, मतलब इतनी एक्सट्रीम पेन की वजह से ना. तो इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, तो फ़ोन इसलिए मेरे पास नहीं रखा गया था. तो मैं बहुत ज़्यादा रोई उसको लेकर पकड़ के. बहुत बहुत इमोशनल वाला डे था. ऐसे मम्मा जब आती थी तो मुझे हर रोज़ वीडियो कॉल करके उससे मुझे बात करवाती थी. तो उसके पास, मेरी बेटी के पास कभी मेरा भाई रहता था, तो कभी मेरी बड़ी ननद वो रहती थी. तो वीडियो कॉल करके जो है मैं मेरे हस्बैंड से, मेरी बेटी से, लोग से मुझे मम्मा बात करवाती थी. बट सामने फेस टू फेस मेरी बेटी बहुत दिनों के बाद मुझसे मिली. तो बहुत ही स्पेशल दिन था उस दिन. अच्छा लग रहा था उसको मैं गोदी लूँ, बट तो मैं हिल डुल नहीं पा रही थी. खैर तो उसके बाद फिर जो है 5 to 6 डेज़ के बाद
आई थिंक जिस दिन मेरा कैथेटर रिमूव हुआ उसके दूसरे दिन फिर डॉक्टर आकर के बोले कि इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके मतलब वॉक करवाओ चलवाओ। बट क्या हुआ है ना कि मेरा चेस्ट में पेन हो रहा था और उसकी वजह से बहुत वीक थी। मतलब मेरा ना जब ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन में मुझे 2 बॉटल ब्लड मुझे लगा था चढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी मेरा हीमोग्लोबिन 9 था, तो काफ़ी वीकनेस तो थी ही, तो जिस वजह से मुझे सिर्फ पैर नीचे करके ही सिर्फ मुझे बिठाया गया था बेड में। और बहुत मुश्किल से नीचे जब मैं 2-3 कदम चढ़ी चली चलना शुरू की थी, मुझे सब नर्स 2 पकड़ के चला रहे थे, तो मेरा सर घूम गया था, तो जिस वजह से उस दिन मुझे और नहीं चलाया गया। फिर दूसरे दिन आई थिंक 7वां दिन फिर धीरे धीरे करके मुझे नीचे उतारा गया, मैं 2-3 स्टेप थोड़ा चली, फिर मुझे चेयर में बिठाया गया, फिर धीरे 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 करके जो है वो इम्प्रूवमेंट फिर आने लगे। तो 10 डेज मैं पूरा हॉस्पिटल में रही, तो लास्ट दिन मम्मा आई, मम्मा मुझे फ़ोन दे करके गई थी, तो पूरा दिन का जो है वहाँ का खाना मुझे मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जो जो मिला था खाना दिया गया था वहाँ पे, मैं सब शूट करके रखी थी, अब फिर से शेयर कर पाऊँ एक दिन का एटलीस्ट। तो ये देखिए मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट में ये दिया गया था, उसके बाद फिर लंच में, फिर डिनर में, और इसके बीच ना मुझे लस्सी दिया जाता था कभी कभी, नाश्ते में शाम का जो नाश्ता आता था शाम के नाश्ते में फ्रूट्स, मतलब एक्स्ट्रा मुझे बहुत कुछ दिया जाता था घंटे घंटे में, क्योंकि मेरी हीमोग्लोबिन बहुत कम थी ना जिस वजह से। तो आखिरी डिस्चार्ज का दिन आया 10 डेज में, 10 डेज में तो मैं जब घर आई तो मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं नॉर्मली ओला करके आ पाऊँ, तो इसलिए मुझे एम्बुलेंस में मैं सो करके आई, तो उस टाइम पे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे हुई थी। जब मैं मतलब चढ़ी ना व्हीलचेयर में आकर के जब मुझे दिया गया एम्बुलेंस में, तो मुझे फिर से वही चेस्ट पेन आने लगी, मैं चिल्ला के एकदम बहुत चिल्ला के एकदम रो रही थी, तो सब डर गए, फिर नर्स दौड़ के आए, उनको लगा कि कहीं फिर से इनको एडमिट ना करना पड़े, तो बट पीलो विलो ठीक करके सेट करके उसके बाद फिर मेरा पेन थोड़ा कम हुआ। तो फिर घर आई तो बहुत ही केयरफुली ड्राइवर जो है बहुत केयरफुली मुझे लेकर के आए, तो फिर जैसे ही मैं अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसी वहाँ पे ना बहुत सारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे जो उनको समझ में नहीं आया, और उस जगह में गाड़ी जो एम्बुलेंस है काफ़ी शेक ज़ोर से शेक हुई एंड मुझे चोट लग गई, और वहाँ पे मैं इतना जोर से चिल्ला के रोने लगी एंड मेरा पेन जो है वो डबल हो गया उस टाइम पे, मुझे याद है मैं इतना रो रही थी बहुत मुश्किल से मुझे उतारा गया, मम्मा और जो ड्राइवर थे भैया वो मुझे दोनों मिलके मुझे उतारे एम्बुलेंस से, बहुत मुश्किल करके मैं फिर घर आई, बहुत रो रही थी उस टाइम। तो खैर तो ये थी मेरी 10 डेज की हॉस्पिटल की स्टोरी, जो जिस वजह से मैं काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, अभी तक मैं पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाई हूँ, मुझे ज़ोर से मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़ोर से नहीं बोलना है, छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, मैं मुझे झुकना नहीं है, मैं बैठ नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे एडवाइस मुझे दिया गया है जो नहीं करना है। एंड इस किडनी को तो अभी रिकवरी होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाएगी, तो 1 मंथ मुझे बेड रेस्ट में मतलब रखा गया है, घर के अंदर ही थोड़ा बहुत चलती हूँ क्योंकि इसमें ना इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिस वजह से घर के अंदर ही मैं थोड़ा बहुत चलती हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सब प्रेयर करिए कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ, आप लोगों के लिए फिर से मैं वीडियो बना पाऊँ, और मैं आप लोग सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं रेसिपी की वीडियो आई थिंक नहीं कर पाऊँगी बहुत दिनों तक, थोड़ी सी ठीक हो जाओ उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने के लिए कितना घंटा खड़ा रहना पड़ता है, स्पेशली रेसिपी वीडियो के लिए। तो बट आई प्रोमिस मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए बहुत जल्द ब्लॉग जो है वो मैं लेके आऊँगी, और आप तक सब प्रे करिए ताकि मेरी रिकवरी बहुत जल्द से जल्द हो जाए, मैं बहुत अच्छे से एकदम ठीक हो जाऊँ, और मेरे जितने भी सारे सुचि श्रहनार बाहर के
फ्रेंड्स है, आप सबको बंगाली न्यू ईयर की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, शुभ नववर्ष। चलिए ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगी, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।